गुड मॉर्निंग एवरी वन माई सेल्फ मोनिका जैन फ्रॉम जी ट्रिपल एस अंबाला सिटी स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर सिक्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस बिकॉज जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन में कौन से साइंटिफिक फिनोमिनाज हैं जो कि इन्वॉल्व है तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझने होंगे सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फिर हम समझेंगे वो पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स जो माइकल फेरेडे ने किए और जिनकी वजह से आज हम ये कंफर्टेबल वर्ड इन्जॉय कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बड़े रिलेटेड से टॉपिक हैं जिनको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ई एम एफ विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज देन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ई एम एफ एंड एडिक्रेंट्स सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनकी एप्लीकेशन क्या हैं और किस तरह से हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं

मैग्नेटिक फील्ड लाइनिंग थ्रू सरफेस आइए एक बार देखें डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली और उस सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार हम इस डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं दिस इज अ सरफेस हुज एरिया इज डी मैग्नेटिक फील्ड इज एस शोन एंड ये एन कैप क्या है ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर हमने बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया एरिया uh, वेक्टर के अलोंग तो ये हमारा बन गया बी कॉस थीटा अब मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाता है बी डी एस थीटा मतलब

वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं फाई इज़ इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर तो फाइनली हम आगे यहाँ पे कि फ्लक्स हमने डिफाइन कर लिया फाइ इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा या फाई इज़ इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर तो इसके बाद हम समझते हैं कि फ्लक्स की वैल्यूज़ कैसे कैसे चेंज होंगी जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स भी चेंज होगा फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब कॉस जीरो वन हो जाएगा तो फाइव हमारा हो गया बी इन ए फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है आपको पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इसी तरह से जब थीटा की वैल्यू जीरो से नाइन्टी तक होगी या 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और अगर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाइ करेगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा जैसे यहाँ लिखा है नेगेटिव फ्लक्स इज फॉर 90 लेस देन थीटा लेस देन 270 मतलब व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 270 फ्लक्स इज नेगेटिव क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्लक्स जीरो भी हो जाए क्या कॉस्थीटा कहीं जीरो भी होता है डेफिनेटली इट इज देयर अगर बी वेक्टर और ए e वेक्टर में 90 डिग्री एंगल होगा या 270 डिग्री एंगल होगा तो इन दोनों केसेस में जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा तो एक बार जरा इसको रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या सीखा सबसे पहले हमने सीखा कि फ्लक्स क्या है फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं क्या फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है ये सब कुछ आपने समझा और एक बार आप इसको खुद से भी रिवाइज करें तो इट विल बिकम मच क्लियर टू यू सो नाउ स्टूडेंट्स आई स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज स्लाइड नंबर थ्री मैग्नेटिक फ्लक्स एक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल ए

इस डेफिनेशन के दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सो वेबर है और वेबर को हम टेस्ला मीटर स्क्वेयर भी लिख सकते हैं ये डेफिनेशन के साथ क्लियर है सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल

लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर वन लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो uh, हमें अप्रेटर्स शो किया गया है ये क्या है हेयर इज़ ए कॉयल ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स एंड हेयर इज़ आल्सो ए कॉयल ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल्स में एक गैल्वेनोमीटर uh, अटैच किया गया है और ये हमारे पास एक मैगनेट है जिसके दो पोल्स हैं वन नॉर्थ एंड अदर साउथ जब नॉर्थ पोल ऑफ मैगनेट को इस कॉल के क्लोज लेके आते हैं तो इस कॉयल में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर देता है हमने मूविंग चार्जेस में पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा मीनिंग जब हम नॉर्थ पोल को क्लोज लेके आए तो इस कॉयल का ये जो पोल इधर बन गया ये भी नॉर्थ बना तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं मतलब मूवमेंट of north pole of the magnet is opposed by this north pole of the coil. Now second case. अब यहाँ से देखिए जो south pole है वो इसमें से दूर जा रहे है जब south pole यहाँ से दूर जा रहे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्लॉकवाइज करेंट फ्लो करना शुरू कर देता है जब इस सर्किट में एक क्लॉकवाइज करेंट फ्लो करना शुरू हुआ तो ये पोल नॉर्थ बना और इधर पोल साउथ बना मतलब साउथ और नॉर्थ ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इसका मोशन अपोज हो रहा है नॉर्थ पोल को क्लोज लेके जाना है वो भी अपोजिंग और साउथ पोल को दूर लेके जाना है वो भी अपोजिंग बिल्कुल इसी मेथड में हम नीचे वाला सर्किट समझते हैं ये सर्किट क्या है कि जब साउथ पोल को क्लोज लेके आए तो इस सर्किट में एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू हो गया मतलब मतलब कि ये जो साउथ पोल इसके अंदर डेवलप हुआ वो इस क्लॉकवाइज करंट की तरफ की वजह से बना और नॉर्थ पोल जब इससे अवे जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल बनना शुरू हो गया मूवमेंट यहाँ भी अपोज है और यहाँ भी अपोज है तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि जब नॉर्थ पोल को क्लोज लेके आएंगे तो सर्किट के अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगा और जब साउथ पोल को क्लोज लेके आएंगे तो सर्किट के अंदर एक क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा जब नॉर्थ पोल को अवे लेके जाएंगे तो इस सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट और जब साउथ पोल को अवे लेके जाएंगे तो इस सर्किट के अंदर एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा कुछ कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में पर इसको जब आप दो बार सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं कि इन सब का रीज़न क्या था ये जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी इनका रीज़न क्या था अब हमने ये समझना है फेडरे ने ऐसे इसको एक्सप्लेन किया कि जब हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके क्लोज लेके आ रहे हैं तो इस मैग्नेट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉयल के साथ लिंकअप हो जाता है इसका मतलब इस कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाता है अब जब ये इंक्रीज होता है तो इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जिसको उन्होंने इंड्यूस्ड ई का नाम दिया इंड्यूस्ड ई की वजह से यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट के अंदर एक करेंट फ्लो करता है तो काफ़ी हद तक उन्होंने इसको बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन किया एक बार इसको यहाँ से पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स

और इंड्यूस डी एम एफ की वजह से करंट और करंट की वजह से गलवेलोमीटर में रीडिंग आएगी सो so ये था फेररडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का समअप तो मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैगनेट ऑब्जर्व द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैगनेट द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैगनेटिजम इन द कॉयल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी पिछली स्लाइड में कि किस तरह से डिफरेंट पोलैरिटीज इंड्यूस होती है देन डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द गलवेनोमीटर एंड हैंस द डिफ्लेक्शन इन द गवेनोमीटर दैट द इंड्यूस्ड करेंट इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैगनेट एंड कॉल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट यानी कि अगर मैग्नेट को फिक्स रखा पर कॉल को मूव किया तो उस केस में भी जो गलवेनोमीटर है वो ऑब्जर्वेशन शो करेगा तो ये सब कैसे हुआ समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इनमें किस तरह से चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ई बन रही है और ये सब इलेक्ट्रो इंडक्शन का फिनोमिनल एक्सप्लेन हो रहे है. नोट नोट का मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये ये नोट किया बोथ द काल एंड द मैग्नेट कैन बी मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर दैट इज़ देयर मस्ट बी अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दैट बेशक हम कॉयल को मूव करें बेशकम मैग्नेट को मूव करें पर सिर्फ उसी केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड करंट है वो शो होगा देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक एंड द मैगनेट ये इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस होने के पीछे कारण क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो है करेंट एंडफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव इलासिटी बिटवीन दैगनेट इज लार्ज जितना फास्ट हम मैग्नेट को मूव करते हैं उतनी ही डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होती है अगर धीरे धीरे मैग्नेट को मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन इतनी कम होगी कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और अगर हम फास्ट मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी लार्ज क्यों लार्ज हुई बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक्रॉस द कोयल इज मोर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक्रॉस द कोयल इज मोर कॉयल के साथ जो फ्लक्स चेंजेस थे वो फास्ट हो रहे थे इस वजह से कैल्बेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था नाउ वी कम टू फेडरिज एक्सपेरिमेंट टू फेडरिज एक्सपेरिमेंट टू में पहले हमने एक कोयल लिया था एक मैग्नेट लिया था अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ही कॉयल्स हैं एक कॉयल के अंदर गेलवेनोमीटर है और दूसरे कोयल के अंदर बैटरी और की और जिसमें बैटरी लगी है उसको हमने प्राइमरी कोयल कहा जिसमें गेलवेनोमीटर लगा है उसको हमने सेकेंडरी कोयल कहा अब इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया

अब हमने ये समझा हुआ है कि किसी भी कॉयल में अगर करंट पास करे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है मतलब ये कॉयल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और इसमें जब करंट ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंकअप हो गया और इसके साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप हुआ उसके साथ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो की बिकॉज वेयर एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देर इज अ करेंट इन द क्लोज सर्किट सो हेंस गैल्वेनोमीटर शोड अ डिफ्लेक्शन, नाउ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल नाउ

एक्सपेरिमेंट्स जो थे ये कितने इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट्स थे नाउ वी स्टार्ट अगेन व्हेन प्राइमरी सर्किट इज ओपन मतलब हमने की नहीं क्लोज की हुई अब हमने की को ओपन कर दिया करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करेंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉय अगर करेंट ग्रो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है और अगर करेंट डिके करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है सो so, अब ये जब हमने की को ओपन कर दिया तो उस केस में करंट डिक्रीज हुआ तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया This changing flux is linked across the secondary coil and induces current in the secondary coil. But we note that the direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. So students, let's now start with Faraday 's laws of electromagnetic induction. Faraday Ke dono experiments उनकी ऑब्जर्वेशंस को लॉज की फॉर्म में समअप किया गया दो लॉज जो थे उन्होंने फॉर्मुलेट किए विच वी नो एज फेराडिज फर्स्ट लॉ एंड फेराडिज सेकेंड लॉ सो लेट्स गो विद फेराडिज फर्स्ट लॉ वेन एवर देअर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड ई एम एफ एंड हैं करेंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट इट लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग ये हमने प्रैक्टिकल्स में देखा कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक तो करंट इंड्यूस होता है पर जब हम मैग्नेटिक मैग्नेट uh, को स्टेशनरी रख लेते हैं या कोईल में कोइल कॉयल में से सेम करंट पास करता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो इस वजह से रीडिंग भी ज़ीरो हो जाती है मतलब करंट की रीडिंग ज़ीरो हो जाती है सेकेंड लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस डी एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लग्स लिंक्ड विद द सर्किट ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हम मैग्नेट को फास्ट ले कर आएंगे तो ज्यादा करेंट शो होगा और अगर हम स्लो ले कर आएंगे तो कम करेंट शो होगा तो इसको टेक्निकली कैसे समझा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस डी एम एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनेटिक फ्लग्स लिंक्ड विद द सर्किट मतलब E इज़ प्रपोर्शनल टू d phi over dt और जब हम प्रपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के से मल्टीप्लाई करें E इज इक्वल टू के डी फाइव बाई डी टी एंड वी कैन राइट ई इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टी मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टी सो ये दोनों लॉज जो थे इसको आगे और एक्सप्लेन किया लेंस लॉ के थ्रू पर जिनको हम नेक्स्ट लाइड में डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस डी एम एफ विच इज बेस्ड ऑन बोथ द लॉज ये अभी हमने डिस्कस किया K इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी तो आइए बच्चों अब समझते हैं कि फेडरि लॉज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है लॉज हमने समझे दो लॉज हमने पढ़े थे उनको उनमें से सेकेंड लॉ हमें क्या कहता था कि इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब जितनी फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ई एम एफ बनेगी तो इसको मैथमेटिकली हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था ई इज़ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी और इसको लिख सकते हो माइनस माइनस ओ माइनस आ गया डी फाइव मतलब चेंज इन फ्लक्स फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टाइम एंड फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉय ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी फाइव टू है हमारा फाइनल फ्लक्स और फाइव वन है इनिशियल फ्लक्स ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इंड्यूस्ड ई एम एफ के लिए अब हम ओहम्स लॉ हम जानते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल डिफ्रेंस पता हो तो हम करेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंड्यूस्ड करेंट क्या होगा आई इज इक्वल टू मतलब इंड्यूस्ड करेंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई आर और चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे करेंगे आई को डी क्यू बाई डी टी लिख लीजिए और हो गया चार्ज भी कैलकुलेट डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई आर तो ये सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में वर्क करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंड्यूस्ड ई एम एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बट इंड्यूस्ड करेंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस सो ये हमारा सारा हो गया फेराडेज लॉज की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन अब आगे समझा समझते हैं कि किन किन मैथड से हम ई एम एफ को इंड्यूस कर सकते हैं देखिए ई एम एफ इंड्यूस कब होगी जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स कितने मेथड से चेंज हो सकता है वो अब हमने समझना है सो फर्स्ट इज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी हमने पढ़ा था फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए थीटा बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी And hence, EMF can be induced in the circuit as done in Faraday's experiments. So, I switch over to the next slide now. So, now, students, let's start the second method of inducing EMF in the magnetic field. So, magnetic flux can be changed. By changing the area of the loop, which is acted upon by the magnetic field, and hence EMF can be induced in the circuit. Let's see what it is. You can see the diagram which is adjoining. Uh, ये देखें एक जो P Q R S है ये loop है और इसको हम magnetic field के अंदर move कर रहे हैं. जब हमने इसको magnetic field के अंदर move किया तो इसका मतलब इसका area जो कि field के साथ associated है वो increase हुआ. अब जब ये एरिया इंक्रीज हुआ तो नेचुरली फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहे है। और फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो इसलिए इसमें ई एम एफ इंड्यूस्ड हो गई अब क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट है इस वजह से इसमें करंट भी बनेगा तो आइए हम समझते हैं कि करंट और ई एम एफ क्या क्या होगी और किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे

सो डी फाइव इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इसको आप कोरिलेट करें जो हमने पहले फ्लक्स के एक्सप्रेशन किया था फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए अब डी ए क्या है इंक्रीज इन एरिया एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ इन टू ब्रेथ अब जितना एरिया चेंज हुआ सपोज ये जो लूप है ये थोड़ा सा अंदर आया तो इसका मतलब इसने डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया वी डी टी लेंथ लेंथ जो है वो है एल और ब्रेथ है हमारी वी डी टी तो बी एल वी डी टी ये हमारा बन गया डी फाइव तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी अब एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी ये ये जो induced EMF बनी ये क्यों बनी क्यों है क्योंकि लूप मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड मूव हुआ और इस वजह से इसको कहा गया मोशनल दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ द द लूप फील्ड अगर हम इस लूप को पुल करेंगे आउट तो भी तो भी फ्लक्स चेंज होगा और इस वजह से दोबारा से ई एम एफ बनेगी इन बोथ केसेस एफ विल बी सेम एंड इज इक्वल टू बी एल वी अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंड्यूस्ड ई एम एफ है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है दैट कैन कॉज इंड्यूस्ड करेंट ऑल्सो दिस इंड्यूस्ड करेंट विल बी फ्लोइंग इन दिस पी क्यू आर एस एंड देयर बाय वी कैन कैलकुलेट वी कैन इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट बाई लेंस रूल और फ्लैमिंग राइट एंड रूल विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड अकॉर्डिंग टू लेंस रूल The direction of induced EMF. Now according to lens rule, the direction of induced current is such that it opposes the cause of changing magnetic flux. ye jo humne case kiya isme magnetic flux जो है वो increase हो रहा था due to motion of the loop, क्योंकि area increase हो रहा था जो कि magnetic field में है, ठीक है? तो motion जो है वो oppose होना है इंडम आई की यह टेंडेंसी है दैट इट हैज गॉट द अपोजिंग नेचर सो द करेंट इज सेटिंग इट सेल्फ सच दैट बाई फ्लेमिंग रूल द कंडक्टर आम पी एस एक्सपीरियंस फोर्स टू द राइट वेयर हैज द लूप इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हम लूप को मूव लेफ्ट की ओर कर रहे हैं पर यह फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो राइट की ओर कर रहे हैं मतलब इसका जो मोशन है वो अपोज हो रहा है तो इस ऑपोजिशन को ही इस ऑपोजिशन को काउंटर uh, करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स मैकेनिकल वर्क इज डन और ये जो मैकेनिकल वर्क होगा इट विल बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी कॉल एज इंड्यूस्ड करेंट ठीक है अब ये जो फिनोमिनन है मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की नेचर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये हमेशा अपोज करता है इंक्रीज को भी अपोज करता है और डिक्रीज को भी अपोज करता है पर अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज ना हो रहा हो तो ये कोई ऑपोजिशन नहीं करता मतलब कि अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही मूव कर रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई चेंज ना हो तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट जो है वो पॉसिबल नहीं है तो ये तो हो गया लेंस रूल के अकॉर्डिंग अब हमने समझना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड हैंड रूल रूल। और राइट आइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट अब एक बार अपने राइट हैंड के फिंगर्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ राइट right हैंड के फिंगर्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करोगे तो जो फर्स्ट फिंगर है ये हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड जो थंब की डायरेक्शन है वो हमें बताएगी मोशन ऑफ कंडक्टर राइट या उस फोर्स जो हम डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं मतलब कंडक्टर को मूव कर रहे हैं और जो मिडल फिंगर के डायरेक्शन आएगी दैट विल बी गिविंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट दिस इज हेयर चिल्ड्रन एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रैच करें परपेंडिकुलरली सो दैट फर्स्ट फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इफ थम्ब इज पॉइंटिंग आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर सो दिस इज वॉट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज नाउ आई एम स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब हमने थर्ड मेथड समझना है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कोईल इन द मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब हम कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगी और किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है आइए इसको समझते हैं एक बार इस डायग्राम पे फोकस करो ये जो लूप देख रहे हो आप पी क्यू आर एस रोटेटिंग फील्ड इन तो क्या चेंज हो रहा है जो चेंज हो रहा है वो है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए इज थीटा चेंज हो रहा है राइट फ्लक्स को हमने पढ़ा था एनबीए कॉस थीटा हमने दो केसेस समझ लिए बी चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एरिया चेंज हुआ थर्ड केस है थीटा चेंज हो रहा है तो जब थीटा चेंज होगा तो उस केस में फाइव चेंज होगा और फाइव चेंज होने से चेंज इंड्यूस्ड ई बनेगी ठीक है आइए जरा इसको डिटेल में समझे क्योंकि ये एसी जनरेटर की भी ग्राउंड फॉर्मेशन करता है सो वी आर स्टार्टिंग विथ बाई चेंजिंग द ऑरियंटेशन ऑफ द कॉयल इन द मैग्नेटिक फ्लक्स

मतलब कितना इसने एंगल कवर किया वो है है? तो वैल्यू हमारी बन गई ठीक अब जब आप इसको डिफ्रेंशियट करेंगे डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी को चेन रूल लगा के डिफ्रेंशियट करिए एंड यू गेट माइनस एन बी ओमेगा साइन ओमेगा

रिवाइज करें एंड यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सोन ओके द चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन क्योंकि साइन ओमेगा टी का फैक्टर इनवॉल्व है तो इसका मतलब ये जो ईएमएफ है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी तो इस तरह की जो चेंजिंग ईएमएफ है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये देखिए साइन ओमेगा टी, ये साइन कर्व का इसके जैसी हमें ईएमएफ इस केस में ऑब्टेन होती है ठीक है इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल इज टेकन ए 0 डिग्री दैट इज बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एट 0 डिग्री एंगल थीटा बीकम्स ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू सो एज थी थीटा प्लस की वैल्यू डाल दी ओमेगा टी ये बन गया हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू तो ई e क्या बन गया ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी ठीक है तो ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट कैन बी एक्सप्रेस इन साइन और कॉस फंक्शन मतलब हम इसको e नॉट ओमेगा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और e नॉट ओमेगा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं दिस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ई एम एफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स ये वही जनरेटर है जो हमारी सभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड सो so, अब स्टूडेंट्स टर्न आ गई है लेंस लॉ की जो मैंने अभी आपको लास्ट टू स्लाइड्स में कहा था कि लेंस लॉ हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में सो लेट स्टार्ट विद लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दिस इज विच इज प्रोड्यूसिंग इट सो फार हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अब इंड्यूस्ड ई एम एफ है तो इंड्यूस्ड करेंट भी है और करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे सेट होगी कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है ये उसकी नेचर है दैट इज इफ द करेंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट देन इंड्यूस्ड करेंट इन द दट इट सेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट if the current is induced due to change in current in the primary coil then induced current is such that it tends to stop the change faraday's law ko ek bar aap log revise kare apne books mein se aur wahan pe aap dekhenge ki jab hum magnet ko किसी भी coil के पास लेके आते हैं तो जब north pole आ रहा होता है तो coil के अंदर north pole बन जाता है मतलब anti-clockwise current flow करता है ठीक है और अगर साउथ पोल आ रहा होता है तो कॉयल में साउथ पोल बनाने के लिए क्लॉकवाइज करेंट फ्लो करना शुरू कर देता है तो मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही सेट होगी ताकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में समझाता है अब जो लेंस लॉ है

सो मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंडहेंस लेंस लॉ कम्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो फ्री मैंने मिल गई हम जो मैकेनिकल एनर्जी हम जो अपनी स्पेंड कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इफ़ है द रिवर्स वुड हैपन That is, induced EMF does not oppose, then a little change in magnetic flux would produce an induced current, which will help the change in flux, thereby producing more current. This increased EMF would then cause further change in flux and it would increase the current, and so on. This would create energy out of nothing, which would violate the law of conservation of energy. मतलब जो induced EMF की नेचर है जो उसकी नेचर है वही इसको conservation of energy के साथ करती है, वही ये property बनाती है वही बनाती ई एम एफ किस तरह से अपोज कर रही है उसी ऑपोजिशन के कारण हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है और वो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है सो so, ये इसको आपको दो बार रिवाइज करना होगा और इसको आप अपने बुक्स में से थोड़ी डिटेल में रिवाइज करें एंड हेयर बाय आई कंप्लीट टूडेज लेक्चर सो गुड बाय एवरीवन थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल